हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शागुतस किचन। आज मैं बना रही हूँ अंडे की एक बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी, जिसको आप राइस रोटी पराठा किसी के साथ ही सर्व कर सकते हैं और लंच और डिनर दोनों में ही बना सकते हैं। एक चिली, जिसके लिए ले रही हूँ 5 अंडे। इनमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। मिक्स करेंगे। माइक्रोवेव सेव एक बोल ले रही हूँ, जिसको तेल से ब्रश करेंगे और अंडे के मिक्सचर को डालकर फॉइल से कवर कर देंगे और ऊपर से कुछ छेद कर देंगे। अब इसको माइक्रोवेव करेंगे 5 मिनट के लिए। आप चाहे तो पानी में भी बॉईल कर सकते हैं, पुडिंग की तरह। उसके बाद इसकी साइड्स को रिलीज करेंगे और इसके छोटे टुकड़े कर लेंगे। तीन टेबल स्पून ले रही हूँ मैदा, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/3 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। सभी सूखे इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स करेंगे। 1/2 टेबल स्पून लहसुन घिसा हुआ, 1/2 टेबल स्पून अदरक घिसा हुआ, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और इसके एक थिक बैटर बना लेंगे। तेल को मैंने गर्म कर लिए हैं, गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम। अंडे के टुकड़ों को बैटर में डिप करेंगे और चम्मच से ही तेल में छोड़ेंगे। जितने आ जाएंगे एक साथ उतने ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हल्की ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और उठा लेंगे। इन पकौड़ों को आप चाहे तो शाम को चाय के साथ भी परोस सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सभी पकौड़ों को फ्राई करने के बाद तेल को मैंने कम कर लिए हैं, 5 से 6 टेबल स्पून। मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून नमक, 2 प्याज रफली चॉप, 1 कैप्सिकम रफली चॉप, 2 मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पर थोड़े से सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। 4 हरी मिर्चें चीरे लगा लिए हैं और 1 टमाटर मिक्स करेंगे। टमाटर को पूरी तरह से सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक घिसा हुआ, 1 टेबल स्पून लहसुन घिसा हुआ, मिक्स करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़े से कलर के लिए, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए, इनको भून लेंगे। उसके बाद इनमें पकौड़ों को डालकर मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा पानी लेकर इसके एक पतली बैटर बना लिए है ग्रेवी के लिए, जिसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। जैसी ग्रेवी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से ही ऐड करें। आखिर में 1 टेबल स्पून धनिया पत्ता चॉप की हुई मिक्स करेंगे और हमारी एक चिली बन चुकी है, जिसको आप राइस रोटी पराठा किसी के साथ ही सर्व कर सकते हैं और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी बनी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।